शनिवार को अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के सवाल भर्तिया कर रहे हैं पैसा कहां है से देंगे का जवाब देते हुए कहा कि पैसे की चिंता ना करें, जनता को देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। अब पनामा का दौर छत्तीसगढ़ में नहीं रहा, हम दे लेंगे, भारत सरकार से अच्छी व्यवस्था हमारी है। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था तीन राज्य है जहां कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो एमपी लेड है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है? FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार कर रही है, तो जितना कर्ज भारत सरकार ने अब लिया है उतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था। तो नारायण चंदेल जी जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें।